नागपुर जिले में बीते कुछ दिनों से अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच कामठी शहर के आवंडी गांव से एक बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां 7 से 8 डकैतों ने फार्म हाउस पर डकैती का प्रयास किया और गोलाबारी की। इस हादसे के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और जांच शुरू कर दी। हालांकि गनीमत यह रही कि अपराधियों का ये पूरा कृत्य सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन इस हादसे से पूरे इलाके में तनाव का वातावरण है। बीते कुछ दिनों से नागपुर जिले में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आए दिन जिले में मारपीट, लूटपाट या हत्या जैसी खबरें सामने आती ही रहती है, जिससे कई दफा जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब उसी श्रृंखला में एक और ऐसा मामला सामने आया है, जो फिर एक बार जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। ये मामला है नागपुर जिले के कामठी शहर स्थित आवंडी गाँव का। मिली जानकारी के अनुसार कामठी शहर के पास जबलपुर हाईवे पर एक फार्म हाउस पर बीती रात डकैतों द्वारा हमले की घटना सामने आई। बुधवार की रात हथियार से लैस हमलावरों ने फार्म हाउस पर हमला बोल दिया और फायरिंग भी की और फार्म हाउस में घुसकर सेट पर लाते मारी। गाली गलौज करते हुए फार्म हाउस के पास रखी चार पहिया गाड़ी के शीशे फोड़कर भाग निकले, जिस दौरान उन्होंने गोली चलाई थी। उस वक्त आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज भी सुनी थी। ये पूरी वारदात फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जैसे ही इस मसले के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल उन्होंने जांच शुरू कर दी। यशपाल शर्मा यांचं शेतामध्ये घर आहे, त्यांचं आवंडी गावापासून साधारण 1.5 किलोमीटर आणि जबलपूर हायवे पासून साधारण 1 किलोमीटर वर एकांतात एक घर आहे त्यांचं। त्या ठिकाणी रात्री 9:50 ते 10:05 दरम्यानची घटना आहे। साधारण 8 लोक चेहरा झाकून म्हणजे गमछा वगैरे बांधून त्या ठिकाणी आले होते। त्यांनी त्यांच्याजवळ एक वेपन पण होतं, त्याच्यातून त्यांनी फायर केला, बाहेरच फायर केला इथे। आणि फायरचा आवाज ऐकून त्यांच्याकडे भाड्याने राहणारे काही कामगार राहतात, ते कामगार उठून बाहेर आले। तसे हे बाहेर कामगार दिसता क्षणी त्या गेटमधून, कंपाऊंडच्या गेटमधून आत गेले वरून कंपाऊंड ओलांडून आणि त्यांच्या दिशेने धावले, तर कामगार सरळ आत त्यांच्या रूममध्ये चालले गेले, दरवाजा बंद केला, त्यांनी त्यांच्या दरवाजावर लाथा वगैरे मारल्या, शिव्या दिल्या आणि तिथून निघून गेले। परत दरवाजावरून उडी मारून निघून गेले। आम्ही त्यांचा शोध घेत आहोत, प्रयत्न चालू आहे आमचे। नाही असं आता स्टार्टिंग स्टेजला असं काही सांगता येणार नाही, परंतु त्यांची मूवमेंट फार कमी वेळाची होती। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपूर।